हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। डूबते जहाज में इंजीनियर को उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप पर क्या आखिरी मैसेज भेजा, पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 100 बड़ी खबरें। मुंबई के 5-स्टार होटल में पुलिस की रेड, मेयर किशोरी पेडनेकर ने दी थी साथ। होटल के स्टे पैकेज के साथ दी जा रही थी वैक्सीन। मुंबई की मेयर ने कहा होटल में वैक्सीन लगाने की बीएमसी को नहीं दी गई थी जानकारी, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। होटलों के साथ सहयोग से वैक्सीनेशन पैकेज का ऐलान करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार सख्त, राज्यों से कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा गया। यूपी के बलरामपुर में कोरोना मरीज का शव नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, पीपीई किट पहने दो लोगों ने राप्ती नदी में फेंका शव। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन, महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। सीएमओ ने कहा परिवार वालों ने ही फेंका शव। दिल्ली में 1800 किलो और इस्तेमाल किए गए ग्लव्स बरामद हुए, पुलिस ने मुंडका के कबाड़ी बाजार में छापा मारा। दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल ग्लव्स के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, मुंडका में पहले एक फैक्ट्री से मिले थे 1300 किलो इस्तेमाल किए गए ग्लव्स। ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खेल का बड़ा खुलासा, भागलपुर में ईंट भट्टे की महिला मजदूर के खाते में जमा हुए 90 लाख रुपए, दिल्ली पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। भागलपुर की महिला मजदूर को दिल्ली में अपने खाता होने और पैसा जमा होने की जानकारी तक नहीं, 3 महीने में जमा की गई है ये रकम। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कल से शुरू होंगे मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण के काम, डीडीएमए ने इजाजत दी। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट में अलग अलग शिफ्ट में होंगे काम, सभी यूनिट्स पर नियमित अंतराल पर होगा आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, अभी तक 7 बजे से 12 बजे तक ही खुल रही थी दुकानें। सीएम खट्टर ने कहा दुकानदारों को ऑडिट इवन के फॉर्मूले का पालन करना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 15 जून तक बंद रहे। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉकिंग होगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। यूपी सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कम केस वाले इलाकों में अनलॉक पर डीएम करेंगे फैसला। योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। देश के ज्यादातर शहरों से कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है, एक दिन में कोरोना के 1,65,553 बीमार, 3,460 मरीजों की जान गई। देश में लगातार 17वें दिन नए केस में से ज्यादा रिकवरी हुई, एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे। दिल्ली में सामने आए 2 महीने में सबसे कम केस, 24 घंटे में 956 केस मिले, 122 लोगों की जान गई, पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 1% हुआ। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,908 केस, एक दिन में किए गए 3,40,000 टेस्ट, रिकवरी रेट 96% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 20,295 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 443 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले, 24 घंटे में 25 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए केस मिले, 31,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,513 लोग पॉजिटिव मिले, 28,100 मरीज रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 13,756 लोग पॉजिटिव मिले, 20,392 लोग रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना के 2,314 नए केस मिले, 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 70 लोगों की मौत। अब वियतनाम में मिला कोरोना का नया वेरियंट, अन्य वेरियंट के मुकाबले हवा में तेजी से फैलता है। मन की बात में कोरोना पर बोले पीएम मोदी, जल थल नभ से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने में नेवी एयरफोर्स और आर्मी जुटी है। पीएम मोदी बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेंगे, चुनौती कितनी भी बड़ी हो भारत का विजय संकल्प उतना ही बड़ा। पीएम मोदी ने कहा सेकंड वेव के दौरान अचानक बढ़ गई थी ऑक्सीजन की मांग, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लोगों की जिंदगी को बचाया। पीएम मोदी ने कहा देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के कोने कोने तक पहुंचाई गई ऑक्सीजन। मौजूदा संकट से पहले देश में रोजाना 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, पीएम के मुताबिक अब इसे बढ़ाकर 9,500 मीट्रिक टन कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा महामारी में भी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, कई जगहों पर किसानों को एमएसपी से ज्यादा कीमत मिली। सरकार के 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र पर देश चला, हर क्षण समर्पित भाव से काम किया। पीएम मोदी ने कहा अब देश अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, दूसरे देशों के दबाव में नहीं अपने संकल्प से चलता है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे, सभी बीजेपी सांसद मंत्री और विधायक कम से कम 2 गांव की करेंगे सेवा। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला, कहा वैक्सीन को लेकर देश भर में फैलाया गया भ्रम। नड्डा ने कहा विपक्ष ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए, मोदी वैक्सीन कहा, अब वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है। नड्डा ने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा एक हफ्ते में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई, लगाए जा रहे हैं 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 7 साल में विकास, सुशासन और सुधार का नया अध्याय लिखा गया,
गरीब से गरीब व्यक्ति की के सशक्तिकरण की कोशिश हुई। कोरोना के कारण सरकार के 7 साल का जश्न नहीं मना रही बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में लोगों में खाना बांटा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज पर सवाल उठाया, सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया। कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के लिए पीएम का बड़ा ऐलान, पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को दी जाएगी मदद। अनाथ बच्चों के को हर महीने भत्ता और 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए के का फंड मिलेगा। एजुकेशन भी फ्री होगी। बच्चों को हायर एजुकेशन लोन में भी मदद मिलेगी। लोन का ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगी। 18 साल तक आयुष्मान भारत का भी फायदा मिलेगा। महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा, 25 मई तक देश में 577 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। बाल सहायता योजना के तहत दिए जाएंगे पैसे। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को देखभाल के लिए यूपी सरकार हर महीने 4000 रुपए देगी। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए देने का ऐलान। जून में राज्यों के लिए उपलब्ध होगी 12 करोड़ वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई में राज्यों को 8 करोड़ टीके दिए गए। महाराष्ट्र 2 करोड़ टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मीनाक्षी लेखी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा निजी अस्पताल वैक्सीन खरीद सकते हैं तो दिल्ली सरकार वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकती। मीनाक्षी बोली, दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। सीबीएसई पिछले 3 साल के मार्क्स के आधार पर 12वीं के छात्रों को दे सकती है रिजल्ट। 1 जून को होगा आखिरी फैसला। यूपी में 10वीं के बोर्ड की परीक्षा रद्द, जुलाई में कराई जा सकती है 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। बीजेपी नेता ने एक्ट्रेस पर हेल्थ वर्कर बनकर वैक्सीन लगवाने का आरोप लगाया। छाणा पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, एक्ट्रेस ने हेल्थ वर्कर की फेक आईडी का इस्तेमाल किया। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की एक और खेप भारत पहुंची। अभी तक अमेरिका से 2 लाख इंजेक्शन भारत आ चुके हैं। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को के लिए लगाया गया टीकाकरण शिविर। शरणार्थियों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में एसजीपीसी ने कराया फ्री वैक्सीनेशन आयोजन। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। हिमाचल के मंडी से आई अनोखी तस्वीर, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने जेसीबी की मदद से चढ़ाई कर ऊंचे इलाकों में लोगों का टीकाकरण किया। वैक्सीनेशन अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले ने मारी बाजी। अभी तक 76% लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। भारत ने भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ डोमिनिका भेजा निजी जेट विमान। एंटीगा के पीएम ने रेडियो शो में दावा किया। एंटीगा के पीएम ने डोमिनिका को सीधा भारत भेजने की सलाह दी। अगर मेहुल को एंटीगा भेजा गया तो मिलेगी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा। डोमिनिका की जेल से सामने आई भगोड़े मेहुल चौकसी की तस्वीर, शरीर पर दिखे चोट के निशान। मेहुल चौकसी की तस्वीर एंटीगुआ के न्यूज रूम की पोर्ट से जारी की गई है। मेहुल के वकील का आरोप, डोमिनिका में जेल में मेहुल के साथ मारपीट हुई। अलीगढ़ में जहरीली शराब के मामले में बड़ी खबर, अभी तक 51 शवों का पोस्टमार्टम, 25 में जहरीली शराब के संकेत मिले। अलीगढ़ में जहरीली शराब के हत्याकांड में कांग्रेस ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। टाउटे तूफान में बाज P-305 के डूबने के 13 दिनों के बाद भी इंजीनियर सौरभ जैन का नहीं मिला कोई सुराग। परिवार ने लगाई बेटे को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की गुहार। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषि गंगा में ग्लेशियर की हालत गंभीर नहीं, राज्य के डीजीपी का बयान। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में की गई है कोरोना संकट के दौरान काम को रोकने की मांग। कश्मीर पर आर्मी चीफ MM नरवणे का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से शांति लौटी। कोरोना महामारी को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए। फैसले पर छात्र नेताओं ने आपत्ति जताई। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में चंदे को मिली टैक्स से छूट, इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की मांग पर आयकर विभाग ने सुनाया फैसला। ममता की सफाई पर हमलावर बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी शाम 4:30 बजे देंगे ममता के सवालों का जवाब। पीएम के रिव्यू दौरे पर ममता के व्यवहार पर बोले बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, कहा ममता ने अपनी राजनीति के लिए बंगाल की जनता का नुकसान किया। ग्वालियर में लगे बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर, कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने पूछा मुश्किल वक्त में विदेश में क्यों है। बिहार के समस्तीपुर में CPI विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर हमला, विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। गाजियाबाद के मोदीनगर में कार में हुक्का पीकर स्टंट करते लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया एक्शन। सीतामढ़ी में यास तूफान में मूसलाधार बारिश के बाद बागमती नदी पर बना पुल बहा, कैमरे में कैद हुआ वीडियो वायरल। चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह गिरे हैं पेड़। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ खतरनाक हादसा, बस पलटने से 5 यात्री जख्मी हुए। आगरा के भोजपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना, ईंट के भट्टे पर बदमाशों ने मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे गैंग का भंडाफोड़ किया।
मौके से सिम कार्ड, लैपटॉप और दूसरी चीजें बरामद हुई। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापा, 3 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना और दूसरे गहने बरामद हुए। महाराष्ट्र के मालेगांव में हल्की बारिश और तूफान की वजह से होटल का एक हिस्सा गिर गया। यूपी के संभल में दो पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिखे पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद दिए गए जांच के आदेश। जांच तूफान की तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धामरा गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर खाने पीने का सामान भी बांटा। ठाणे जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल का गाँव में विजय जुलूस, कोरोना नियमों को भूल कर लोग जश्न मनाते नजर आए। रामेश्वरम के सयालगुड़ी नेस्ट के पास मिले इंसानी कंकाल, सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। 75 साल के अमेरिकी शख्स ने फतेह की माउंट एवरेस्ट, हांगकांग की महिला ने सबसे तेजी से शिखर पर चढ़ने का बनाया रिकॉर्ड। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुप्त समारोह में अपनी मंगेतर के साथ शादी की, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये खबर है। कनाडा में 43 साल पहले बंद स्कूल में मिले 215 बच्चों के कंकाल, लोगों ने सीढ़ियों पर बच्चों के जूते रखकर श्रद्धांजलि दी। चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पहुंचा, अपने अंतरिक्ष स्टेशन को करेगा जरूरी सामान की सप्लाई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक घर के सामने गैस लीक होने से लगी आग, अधिकारियों ने एक दर्जन घरों को खाली करवाया। पूर्वी इंडोनेशिया में पर्यटकों की फेरी लगाने वाले एक जहाज का पर भीषण आग लगी, 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जान बचाने के लिए समंदर में लगाई लोगों ने छलांग। रूस ने सायूज रॉकेट से 36 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च की, भविष्य में समंदर, आसमान और दूर दराज वाले इलाकों में भी मिलेगा इंटरनेट। चीन के यूनान इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचाया, रिहायशी इलाकों में भी लोग डरे सहमे। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका करता है भारत में निवेश, मॉरिशस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा अमेरिका। बीसीसीआई की वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कैरेबियन प्रीमियर लीग को जल्द स्टार्ट करने की कोशिश, आईपीएल से क्लैश की आशंका खत्म करने की कोशिश है। ब्रिटेन के क्लब चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर जीता यूरोपीय चैंपियंस लीग का खिताब, दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब पर किया कब्जा। फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू होने से पहले पेरिस में कॉन्सर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने बड़े मुकाबलों में लोगों के जमावड़े की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में 3000 के कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय, फूड बैंक के साथ मिलकर 3 महीने तक कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को खाना उपलब्ध करवाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।